तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। बकौल शायर, उम्र तो सारी कटी इश्के बोतान में मोमिन, उम्र तो सारी कटी इश्के बोतान में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। स्थान दिल्ली, समय सन 2010 से 2015। ऊपर वाले की दया से प्रभा की धर्म कर्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी भी रुचि नहीं थी। मुझे प्रभा की यह बात बहुत पसंद थी, इतनी दयालु, इतनी करुणामय, पूर्ण संतोषी, पूर्ण परोपकारी, पर पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं। क्या शानदार संयोग था। मैंने बचपन से ही किताबें पढ़ने की आदत डाली थी। 1980 के दशक में एक आम परिवार के बच्चे को किताबें कहां सुलभ होती थी, या तो 20 पैसे प्रतिदिन के किराए पर उपलब्ध थीं, या फिर किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में। एक तीसरा रास्ता भी था, गीता प्रेस, गोरखपुर से कुछ धार्मिक प्रकाशन होते थे। अगर आपके परिवार में कोई धार्मिक व्यक्ति है तो इस बात की संभावना होती थी कि वो व्यक्ति वार्षिक शुल्क भरकर उसे डाक से मंगाता हो। मेरे परिवार में ऐसा सदस्य माँ ही थी। मैंने 10 साल की उम्र में ही धार्मिक किताबों का अध्ययन शुरू कर दिया। पढ़ने का इतना शौक था कि साइन बोर्ड भी ध्यान से पढ़ता था। बहुत सारी धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद भी मैं उनकी मौलिक अवधारणा भगवान से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों ये सब बनावटी और अतार्किक लगता। जब लोग एक बिंदु पर आने के बाद कहते हैं कि भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं होता, तो और अधिक बनावटी लगता। तब तक मेरा परिचय ब्रह्मांड विद्या से नहीं हुआ था। माँ के धार्मिक होने का वैसे तो कोई कारण भारत जैसे देश में नहीं होता, ना ही कोई कारण ढूंढना भी चाहिए, पर कुछ कारणों का यहाँ उल्लेख आवश्यक है। माँ का जन्म 1941 की गर्मियों में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो ब्राह्मण परिवार था, और उनके पिता एक अंशकालिक परंतु प्रकांड ज्योतिषी थे। उनके परिवार को दान में कई एकड़ जमीन मिली थी, साथ में मिला था एक अत्यंत प्राचीन मंदिर। यह गांव पहले राजस्थान में होता था और रेत से ढका रहता था। आश्चर्य की बात यह थी कि बाद में हरियाणा में आने के कुछ दशक के बाद समस्त रेत गायब होती चली गई। इस प्राचीन मंदिर के नीचे मरम्मत के दौरान एक और मंदिर मिला। मैं तब छोटा था, मोमबत्ती लेकर अंदर उतरा तो देखा एकदम ऊपर वाले मंदिर के समान स्थापत्य कला। बाद में सुनने में आया कि उसके नीचे एक तीसरा मंदिर भी है। माँ के धार्मिक होने का दूसरा कारण यह था कि 32 साल की उम्र में जब माँ के 3 संतान हो चुकी थी, तब मेरे पिता के हृदयाघात से मृत्यु हो गई। अब भगवान ही हमारा सहारा था। और भी कई परोक्ष एवं अपरोक्ष कारण थे, जैसे बड़े भाई का घमंडी, बदतमीज और खुदगर्ज निकलना, भाई भाभी के प्रतिदिन के झगड़े और गाली गलौज। प्रभा के आगमन के कुछ सालों तक ये चला, फिर हम संभल गए। माँ ने भाई को उसी घर में रखा पर अलग कर दिया। हम नीचे की मंजिल पर रहने लगे और भाई भाभी को माँ ने ऊपर की मंजिल पर रहने भेज दिया। आश्चर्य की बात, अलग होते ही भाई भाभी शांति से रहने लगे। उनके दोस्ती जय बीरू की दोस्ती बन गई। माँ देश के सभी प्रमुख तीर्थों की यात्रा कर चुकी थी, अमरनाथ, बद्रीनाथ, पुरी और पता नहीं कहां कहां। कुछ धार्मिक स्थानों की यात्रा मैंने भी कई बार की थी, पर कारण था पर्यटन, समाज शास्त्र और भूगोल में मेरी अथाह रुचि। ब्रह्मांड विद्या या कॉस्मोलॉजी में रुचि पहली ही किताब से बन गई। किताब भी वो जो 30 वर्षों से आज भी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, स्टीफन हॉकिन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस छोटी सी पुस्तक ने मेरे दिमाग में एक बड़ी सी खिड़की खोल दी। मैं मारा मारा फिरने लगा एक किताब से दूसरे किताब घर, कुछ और भी नायाब मोती मिले। मैं 2 साल तक कॉस्मोलॉजी की पुस्तक पढ़ता ही रहा। अब समस्या और बढ़ गई। ये तो समझ में आता था कि हमारे 2 प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ वास्तव में भारत का ही इतिहास है। हजारों साल पहले लिखे गए महाभारत और रामायण कल्पना के सहारे लिखना संभव नहीं था। हजारों साल पहले संचार और यातायात के साधन अत्यंत सीमित थे। कश्मीर से लेकर श्रीलंका और त्रिपुरा से लेकर द्वारका तक का वर्णन इन ग्रंथों में विस्तार से मिल जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, या यूं कहिए पहले के विशाल भारतवर्ष में, इन नायकों को सब जानते हैं, पूछते हैं। इन ग्रंथों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अवश्य प्रस्तुत किया गया हो कालांतर में, परंतु ऐसे महाकाव्य और महागाथा की हजारों साल पहले रचना करना, जिसमें 20,000 किलोमीटर से अधिक की प्रमाणिक और तथ्यात्मक यात्रा हो, संभव नहीं है। मैं मानता था कि यह ग्रंथ भारत का इतिहास है,
ना कि लेखक की कपोल कल्पना। भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में ऐसे ऐतिहासिक स्थल जरूर मिल जाएंगे जिनका महाभारत या रामायण में उल्लेख होगा। जब इस ऐतिहासिक तथ्य को ब्रह्मांड शास्त्र के साथ मैंने जोड़कर देखा तो ये साफ हो गया कि इतने छोटे से ग्रह में, इतने छोटे से कालखंड में कंस और रावण को पराजित करने के लिए ब्रह्मांड के रचयिता को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे लिए आगे प्रश्न यह था कि ये सब नायक और चरित्र कौन थे? सभी साधारण मानवों से अधिक शक्तिशाली थे। सभी के पास कोई ना कोई आधुनिक तकनीक भी अवश्य थी, चाहे वो कृष्ण का सुदर्शन चक्र हो या ब्रह्मास्त्र, चाहे वो राम लक्ष्मण के अग्निबाण हो या रावण का पुष्पक विमान। हजारों साल पहले ये तकनीक उनके पास कैसे थी, और जब वे भगवान या भगवान के ही अवतार थे तो उन्हें आधुनिक तकनीक की क्या आवश्यकता थी? यह एक प्रश्न करीब 10 साल तक अनुत्तरित रहा, जब तक मैंने अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के बारे में नहीं सुना। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत, परंतु इसके बारे में फिर कभी। बात हो रही थी प्रभा की धर्म कर्म में बहुत कम रुचि थी, जो मुझे बेहद पसंद थी। पूजा पाठ करते हुए मैंने उसे केवल तब देखा जब किसी तीज त्यौहार पर माँ ने उसे करने को कहा। विवाह के आरंभिक दिनों में थोड़ा सा रुझान था उसको पूजा में, लेकिन एक रात फुर्सत में मैंने उसे कॉस्मोलॉजी के बारे में विस्तार से बताया कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में करोड़ों सूर्य होते हैं। एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा के बीच अनंत शून्य है। प्रकाश की गति करीब 3,00,000 किलोमीटर प्रति क्षण है। हमारी आकाशगंगा की लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक करीब 2,00,000 प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि टॉर्च की रोशनी को 2,00,000 साल लगेंगे 3,00,000 किलोमीटर प्रत्येक सेकंड की गति से सिर्फ हमारी आकाशगंगा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, और ऐसी अरबों आकाशगंगा ब्रह्मांड में है। बस अब मुझे डर लग रहा है, प्रभा उस रात बोली और मेरे वक्ष में अपना मुंह छुपा लिया। वो बहुत ज्ञानवान थी, अंदर से मजबूत, बुनियाद से मजबूत। मैं समझ गया था कि वो सब अपने अंदर उतार चुकी है। कुछ सालों बाद अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत मैंने प्रभा से साझा किया। वो चुपचाप और ध्यान से सुन रही थी। अपने अंदर ज्ञान और उचित निर्णय लेने की समझ तो उसमें शायद बचपन से ही थी। यह तब की बात है जब एंशिएंट एलियंस श्रृंखला इंटरनेट और टीवी पर नहीं आए थे। पुस्तकें ही हिंदुस्तान में अहम जानकारी पहुंचाती थी। कुछ ही सालों के बाद टीवी और इंटरनेट पर अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों की भरमार हो गई। यह युवाओं का एक नया शौक बन गया था। ऐसा नहीं था कि प्रभा को मेरी प्रत्येक बात पर विश्वास हो, पर अधिकांश बातों को वो अपने विचारों से मिलाकर देखती थी और संतुष्ट होने पर ही अपनाती थी। ये विचार भी शायद उसने बिना कुछ बोले आत्मसात कर लिया था, मुझे ऐसा उसके चेहरे से लगा। हम एक दूसरे का चेहरा पढ़ लेते थे। मैं और प्रभा माँ और बच्चों के साथ मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, खाटू श्याम तथा और भी कई स्थानों पर गए, कई कई बार गए। हमें इन स्थानों पर जाना पसंद था। ये हिंदुस्तान के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान थे, चाहे धार्मिक स्थान हो ना हो, इसमें कोई संशय नहीं था। परिवार के साथ इन स्थानों की यात्रा एक उत्सव है, भारत की परंपरा का एक हिस्सा है। ये सबसे मीठी यादें हैं। ऋषिकेश शायद प्रभा को सबसे अधिक पसंद था, मुझे भी। प्रभा को परिवार के साथ कोई भी यात्रा करना अत्यंत प्रिय था।